हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, 44th ओलंपियाड भारत चेन्नई में शुरू हो चुके हैं और भारत का प्रदर्शन इसमें अभी स्टार्टिंग स्टेजेस में है, तो बहुत शानदार चल रहा है। इंडियन टीम ने अपने लगभग सभी मैचेस जीते हैं। मोल्दोवा को भारत ने 0.5 के मुकाबले 3.5 से शिकस्त दी और वहीं एस्टोनिया को 4-0 से। तो आज की यह हमारी गेम इंडिया वर्सेस एस्टोनिया के एक मुकाबले की है। सेकेंड राउंड में मुकाबला हुआ था भारत के गुकेश डी वर्सेस काले किक फ्रॉम एस्टोनिया। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को e4 के साथ। यहाँ गुकेश ने शुरू किया, काले ने यहाँ शुरू किया c5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट f3, नाइट c6, नाइट c3, देन हुआ a6 d4, तो c takes d4, नाइट टेक्स d4, देन e5, नाइट पर अटैक, तो नाइट गया वापस f5 स्क्वायर पर, तो हुआ d6, बिशप आया c4 स्क्वायर पर, देन नाइट f6। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गुकेश डी की रेटिंग 2684 है और वहीं एस्टोनियन आई थिंक इंटरनेशनल मास्टर है काले की रेटिंग 2365 है। तो वैसे रेटिंग वाइज तो अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों खिलाड़ियों के बीच। तो बिशप g5 फ्रॉम वाइट, देन बिशप टेक्स f5, ई टेक्स f5, ब्लैक इज स्लाइटली बेटर जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एफ फाइल में पॉन्स डबल हो चुके हैं। बिशप e7 फ्रॉम ब्लैक साइड, देन कैसल यहाँ गुकेश ने किया, रुकाया c8 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स f6, बिशप टेक्स f6, और इतने कंफर्टेबल मुझे यहाँ गुकेश लग रहे हैं कि उन्होंने अपने डार्क स्क्वायर बिशप को नाइट के बदले में एक्सचेंज किया है। वेल, बिशप d5 नाइट पर अटैक बना, तो ब्लैक ने यहाँ कैसल किया, क्वीन id3 स्क्वायर पर, देन क्वीन b6, और यहाँ इस b2 पॉन पर अटैक है, तो बिशप वापस आया b3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट e7। फ्रेंड्स, मैंने इस गेम को जितना देखा है बहुत एक्साइटिंग मूव नहीं खेले गए हैं, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल गेम है और प्लेन एंड सिंपल ही मैंने इस गेम को रखा है, ज़्यादा अपने वेरिएशंस डालने की कोशिश नहीं की है। लुक एट ए गोज टू b8 और यहाँ d6 पॉन पर अटैक है। लुक एट एफ गोज टू d8 फ्रॉम ब्लैक, ऑब्वियस मूव बनता है, क्वीन गई यहाँ से e4 स्क्वायर पर, देन d5 क्वीन पर अटैक बना, लेकिन मुझे यहाँ इस पॉन सेक्रीफाइस की वजह समझ में नहीं आई। Knight takes d5, Rook takes d5, Queen takes d5, क्या वजह है यहाँ इस पॉन सेक्रीफाइस की? उल्टा यहाँ इस f7 पॉन पर थ्रेट भी आ चुकी है, तो क्वीन गई यहाँ से c7 स्क्वायर पर, तो क्वीन d3 यहाँ वाइट ने किया, देन Rook d8 क्वीन पर अटैक बना। अगर क्वीन को हटा भी जाता है तो प्रॉब्लम मुझे कुछ ज़्यादा खास नज़र आती नहीं है, लेकिन फिर भी बिशप b5 ठीक है, यहाँ ये सी पॉन आगे पुश हो सकता है, बिशप के लिए परमानेंट आउटपोस्ट तैयार हो जाएगी। क्वीन c5 पहले ही इस बिशप पर डबल अटैक बन गया है, तो इसका डिफेंस हुआ रुको d8 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ b5 ताकि सी पॉन आगे पुश ना हो, सी पॉन तो वैसे भी आगे पुश नहीं हो सकता था। वेल, यहाँ हुआ a3, देन क्वीन गई d4 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन यहाँ गुकेश ने कहा c3, आप ही क्वीन एक्सचेंज करें। क्वीन टेक्स d3, रुक टेक्स d3, देन किंग गया f8 स्क्वायर पर, किंग f1, और यहाँ किंग रुक बिशप एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। बिशप आया g5 स्क्वायर पर और बिशप का g5 यानी कि बिशप कहाँ जाने वाला है, ऑब्वियस है b2 पॉन पर अटैक कराने के लिए, तो रुक d8 यहाँ वाइट को करना ही पड़ा। बिशप c1, बिशप एक्सचेंज है ही सीधा सीधा, रुक टेक्स c1, रुक टेक्स d5, और यहाँ अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो ब्लैक का एडवांटेज एफ फाइल में पॉन्स का डबल होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे लगता नहीं है क्योंकि जी पॉन को आगे पुश करने के बाद एफ पॉन को कुछ हो नहीं सकता। वहीं वाइट का एडवांटेज ए और बी फाइल के इन पॉन्स के सामने वाइट के 3 पॉन्स जिसमें से एक पासर तो निकल ही सकता, तो ब्लैक को इसी बात का ध्यान रखना चाहिए था। किंग यहाँ से गया e2 स्क्वायर पर, देन किंग e7, c4, तो बी टेक्स c4, रुक टेक्स c4, और अब करना क्या है, इसे 6 पॉन का एंड करना है और अपना एक पासर निकालना है जो ब्लैक पर प्रेशर बनाने के लिए काफी होगा। a5 इसीलिए यहाँ पर प्ले ब्लैक ने किया, देन हुआ g4, किंग आया f6 स्क्वायर पर, और क्या होगा, ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, h4 पहले ही यहाँ वाइट ने कर दिया और किंग के लिए यहाँ g5 स्क्वायर अवेलेबल है ही नहीं, और अब बस सिर्फ एक चेक देनी है ताकि किंग को नीचे धकेला जा सके। रुक आया d6 स्क्वायर पर, देन हुआ b4, a takes b4, और फाइनली एक पासर यहाँ गेम में निकल कर आ ही गया है। हाँ, अगर ब्लैक को किसी तरह का कुछ ब्रेक थ्रू चाहिए था तो उन्हें यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करके पॉन को थोड़ा सा एक्सचेंज करके अपने लिए कुछ रास्ते खोलने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन रुक आया a6 स्क्वायर पर, ये भी अच्छा मूव नहीं कहूँगा मैं। किंग e3, देन व्हाट अबाउट दिस rook b6 मूव, rook b6 वाज नेसेसिटी, यहाँ इस पॉन को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। चलिए, अगर इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे भी तो क्या होगा, किंग इम्प्रूव हो जाएगा। अब ब्लैक क्या मूव चल सकता है, रुक बी फाइव
जैसा कोई मूव चल सकता है, देन व्हाट अबाउट दिस g5 चेकिंग, को e7 स्क्वायर पर जाना ही होगा, रुक c7 चेकिंग f8, दैट्स इट। और इस पॉन की डिफेंस के लिए फिर दोबारा यहाँ पर व्हाइट को आना ही होगा। पर चलते हैं गेम पर, यहाँ हुआ रुक a2, f पॉन पर अटैक है, किंग मूव नहीं हो सकता फिलहाल, लेकिन रुक c6 चेक तो हो सकता है, यस एज इट इज। किंग यहाँ से गया e7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक b6, और मेरे ख्याल से अब इस पॉन को आगे बढ़ने से रोकना मतलब ब्लैक के ऊपर काफी प्रेशर रहने वाला है, लेकिन फिर भी ब्लैक ने यहाँ रुक को b2 स्क्वायर पर लिया। लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर कुकेश डी का g5, और इस मूव के बाद यहाँ एस्टोनियन खिलाड़ी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आई डोंट थिंक एंड गेम में अब ब्लैक के पास बहुत ज्यादा कुछ बचा है। वैसे फ्रेंड्स, ये गेम बहुत सिंपल थी, लेकिन और भी एक्साइटिंग गेम्स अभी इस टूर्नामेंट में होने बाकी है, जिसको मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जरूर प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।